the Delhi government and the centre, this time over the former Delhi minister Manish Sisodia allegedly being manhandled in the court. A video from the Delhi court shows that former Delhi deputy chief minister Manish Sisodia was pulled away by the cops when he tried to talk to the media. While Aam Aadmi Party immediately alleged a manhandling, the Delhi police has clarified denying the charge. Kejriwal, on the other hand, has targeted the Prime Minister and said that the whole country is watching the Prime Minister's dictatorship. आज अरविंद केजरीवाल जी ने और उनके बाकी मंत्रियों ने ट्वीट कर करके इल्ज़ाम लगाए कि दिल्ली पुलिस ने मनीष सिसोदिया जी को जब कोर्ट में ले जा रहे थे उनसे बदतमीजी की। ये बदतमीजी नहीं है, उनको याद रखना चाहिए मनीष सिसोदिया जी अब जेल मंत्री नहीं है। उनको यह भी याद रखना चाहिए मनीष सिसोदिया जी कोई जेल के स्पोक्स पर्सन नहीं है जो टीवियों पर बोल रहे हैं। वो शराब घोटाले के पैसे लेने के जुर्म में जेल में बंद हैं और किसी अपराधी को कोई जेल में बंद किसी सजा याफ्ता अपराधी को या जुडिशियल कस्टडी में बंद किसी अपराधी को अधिकार नहीं है कि वो टीवियों पे स्पोक्स पर्सन बनकर बोले। Pulkit is joining me on the phone line to give us details. Pulkit, well, the Delhi government versus the center is taking off again, and this time over Manish Sisodia being allegedly manhandled in the court. We can see in the video how the police takes him away while he tries to speak to the media. The BJP saying that this is not allowed, you cannot speak because you are arrested, you are in the jail. But the Aam Aadmi Party has alleged manhandling. Kejriwal has said that this is Prime Minister's dictator. So a war of words is going on into this entire matter. देखिए आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि कोर्ट के अंदर अगर मनीष सिसोदिया से किसी ने सवाल पूछा तो वो उसका जवाब दे रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उन्हें गर्दन से पकड़कर एक पुलिस अधिकारी घसीटता है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया के साथ दिल्ली पुलिस बर्ताव कर रही है। आम आदमी पार्टी इस बात पर सवाल उठा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट के जरिए ये कहा गया है कि उनके साथ ऐसा गलत बर्ताव नहीं किया गया बल्कि उन्हें रोका गया इस तरीके की बाइट देने से जबकि वो जुडिशियल कस्टडी में अभी है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार फिर से नजर आ रहा है। आप मुद्दा उठा रही है कि एक शिक्षा मंत्री जिन्होंने शिक्षा के उस मुद्दे पर बहुत काम किया दिल्ली में उनके साथ जेल में इस तरीके का बर्ताव हो रहा है और उनको उनके ऊपर अधिकारी इस तरीके से घसीट रहे हैं उन्हें। और दूसरा बीजेपी और पुलिस की तरफ से कहा गया है कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर मनीष सिसोदिया जेल में है और उन्हें इस तरीके के बयान कोर्ट के अंदर नहीं देने चाहिए थे। इसी को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की के अधिकारी ने ये किया था। जी All right, Pulkit, thank you for getting us those details on that story. Let's shift our focus.